कॉर्नर से लेके वहां तक ये नियर अबाउट 300 फीट का, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक पत्थर के अंदर बना हुआ मंदिर है, इसका नाम। सो अभी हम जा रहे हैं एलोरा केव्स, रक्षाबंधन स्पेशल। थोड़ा घूमेंगे, मस्ती करेंगे। हाँ रियांश, आज तो छुट्टी भी ले डाली सब बच्चों ने, छुट्टी डाली हमने। हाँ, सो दिस इज माय आउटफिट रक्षाबंधन के लिए, मैंने स्पेशली लिया ये। बाय, मिलते हैं एक दो घंटे में। चलो चलो, लेट्स गो। ये मजे आ रहे हैं, छुट्टी मार के मजे आ रहे हैं। मम्मी को नहीं लगाई थी। हाँ ना, दी को भी आना चाहिए था, बट रिदान को नींद आ जाएगी दोपहर। रेहू मेला लगा इधर, मेला पसंद है क्या? हाँ। मुझे भी बहुत पसंद है, बट ये शायद चालू नहीं है क्या? हाँ, शाम को होगा चालू। शाम को नहीं, अपन तो फिर चले जाएंगे। लुक एट द व्यू गाइस, कितना सुंदर है। औरंगाबाद बहुत ही सुंदर शहर है ना? यस यस, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। हाँ, सो गाइस ये है दौलताबाद फोर्ट, औरंगाबाद का फेमस फोर्ट है ये। बाहर से देखो अभी तो फिलहाल। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। धूप तो बहुत बहुत ज्यादा ही धूप तेज है। एंट्रेंस ढूंढते अभी कहाँ जाना है। सो ये है एंट्रेंस। निहार गाइड की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें एक डेढ़ घंटे में कवर करना है और वापस जाना है। निहार टिकट लेने जा रहे हैं अभी। अभी किस तरफ जा रहे हैं हम? हाँ इधर ही क्या? गाइस घुसते ही लेफ्ट साइड में एंट्रेंस है ये वाला। डाउन होके जाओ बेटा, खाली वापस जाओ। नीचे से ये बाहर से ऐसा दिखता है। चलो, ये है हमारे गाइड जो हमें पूरा टूर देंगे। 2 मिनट का मैं आपको टाइमिंग देता हूँ। हाँ। हिंदू बुद्धिस्ट और जैन धर्म का, तो अभी पुराने जमाने में कोई ऐसा एक मराठी में लोकल नाम हुआ करता था, इंग्लिश नहीं था। अभी आर्कियोलॉजी ने हर केव को ना एक लोकल इंग्लिश में नाम दिया हुआ है, जो उसके बारे में आपको समझाना। लेकिन ग्रुप कैसे स्टार्ट होते हैं मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर 34 केव में से 1-12 बुद्धिस्ट केव है, ये जो हम लोग उधर जाने वाले देखने को। जो चालुक्य नाम सुना आपने, चालुक्य डायनेस्टी 5th century AD to 11th century AD, मतलब उधर 600 साल लगे उनको बौद्ध धर्म की गुफाओं का निर्माण कार्य करने में। और वो 600 साल उन्होंने छन्नी और हथौड़े में बिताए, दूसरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था। उसके बाद में केव बनाया, कैलाश छोड़ के इन सभी ऑन द स्पॉट जाएंगे। ये एक ऐसा टेम्पल है कि इसका जो वर्क है ना, वो टॉप से स्टार्ट हुआ और बॉटम में खत्म हो गया। इसके बारे में बहुत सारी हिस्ट्री जो मैं आपको वहाँ पर समझाऊंगा। तो पहले हम लोग इधर बुद्धिस्ट से स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी केव्स है ये, हम पहले वहाँ 10 नंबर 8 नंबर 5 नंबर वो अच्छी केव्स है, उसके बारे में आपको समझाएंगे वहाँ पे। इधर से केव नंबर 13-29 हिंदू केव्स है, ये राष्ट्रकूट घराने विजयनगर वाले कंस्ट्रक्शन होते हैं। एक होता है मोनेस्ट्रीज मतलब विहार, और सेकेंड होता है चैत्य गृह, उसको चैत्य विहार भी कहा जाता है। ये मोनेस्ट्री रेसिडेंशियल पर्पज में होता है, रहना, खाना पीना बनाना, मेडिटेशन करना, स्कूल्स, डाइनिंग हॉल, इस तरफ से। और जो चैत्य ग्रह जो होता है ना, पूजा पाठ करने का मंदिर होता है, जहाँ पर बैठकर पूजा करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, मतलब मैं बुद्ध के शरण में हूँ, मैं धम्म के शरण में हूँ, मैं संघ के शरण में हूँ, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पर 12 बुद्धिस्ट केव में से 11 उन्होंने रहने के लिए बनाए, और एक ही पूजा का मंदिर है। बट ये इसके अंदर ना कुछ 11 अलग अलग, जैसे आपको देखो ये लेफ्ट साइड आपको जो दिख रहा है, ये 3 मंजिला इनका ये स्कूल्स है, यहाँ पर लोग रहते थे, उनको धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था इन पाली लैंग्वेज। क्यों समझ ले लेना कि हम जैसे स्कूल में जाते थे पहले कि इंग्लिश थोड़ा सा 2 स्टेप थोड़ा सा पढ़ते, फिर उसको 4-6 महीने यहाँ पर एजुकेशन लेने के बाद, जिसको हायर एजुकेशन लेना होगा ठीक है, फिर उनके लिए ना वो बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा था आपको वहाँ पे। यानी बौद्ध भगवान बुद्धिस्ट धर्म का प्रसार करे, इसका मीनिंग ये होता है। चैत्य ग्रह पूजा पाठ करने का मंदिर,
और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना, तो बाहर एक विंडो बनाया जाता और उस विंडो का आकार पीपल का पत्ता, पीपल मालूम है ना आपको, बुद्धा को पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, तपश्चर्या करने के बाद जो ऊपर से ज्ञान का किरण आया उनके फोरहेड में गया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो लाइट है ना उस विंडो में से सीधा बुद्धा के चेहरे के ऊपर गिरेगा, और चेहरे पे लाइट गिरने से ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो उस टाइम में कुछ अवसर आई, देखिए विंडो के राइट साइड में तीन अवसर आई, देखिए इनके हाथ में फूल है जो ऐसे डालते हुए नजर आ रही, इधर लेफ्ट साइड में भी तीन, एक हाथ में फूल है और सेकंड हैंड से वो डालते हुए नजर आ रही, मतलब कारागिर बताना चाहता है कि बुद्धा को इसी टाइप ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी देखिए मंदिर का सेकंड स्पेशलिटी क्या होता है कि जितने भी बुद्ध धर्म के जो मंदिर होते हैं ना, ये अंदर जो पहाड़ के अंदर ऐसे काट कर बनाए, ये अंदर से एक एलिफेंट स्केलेटन टाइप बना के रखते हैं। एक्चुअली एलिफेंट ये प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होता है हिंदू धर्म के अंदर, एलिफेंट के साथ आपको लायन भी मिलेंगे जो ब्रेवनेस का सिंबल है। ये चल रही कितना ठंडा ठंडा लग रहा है ना, बाहर कितनी धूप थी, मैनमेड है यार ये, कील ठोक ठोक के बनाया, कितना सुंदर है। यार आवाज एको हो रही है यहाँ पे, बुद्धं शरणं गच्छामि। सो 5 बजे यहाँ पे इनके माथे पे सूर्य की किरणें आती हैं डेली। तो गाइस अभी हम फर्स्ट फ्लोर जा रहे हैं, ऊपर का देखते हैं, बहुत सुंदर कंस्ट्रक्शन की है। ऐसा बोलते हैं यहाँ पे ये जो भी कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ पे गांव बसता था एंड लोग यहाँ पे रहते थे, और ये पूरा हाथों से नक्काशी करके बनाया है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर। सी गाइस तो ये फर्स्ट फ्लोर का व्यू है, कितना सुंदर है। उस टाइम पे भी लोगों के टैलेंट कितने अच्छे होते थे, तो सुंदर लग रहा है गाइस, ये देखो व्यू। हम लोग यहाँ से आए थे, फिर यहाँ से ऊपर, इनक्रेडिबल। सो गाइस अभी हम दूसरे केव में जा रहे हैं, ये जो सामने दिख रहा है इस पे। ये मुद्रा जो है इसको धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा कहा जाता है, यानी बौद्ध भगवान बुद्धि धर्म का प्रसार कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा। और ये मुद्रा ज्यादा प्रसारित किसने किया, तो अशोका ने, जो कलिंगा बैटल आपने सुना होगा, वहाँ पे बुद्धिस्ट में अशोक का कन्वर्ट होगा, और बुद्धा का बुद्धि धर्म का प्रसार करने के लिए कहाँ से शुरुआत करना है, तो सारनाथ से। बुद्धा की पहले जो धर्मोपदेश सभा हुई थी वो सारनाथ में है, तो बौद्ध भगवान इसी पोजीशन में, ये दिखे आपको ये पोजीशन, इसी पोजीशन के अंदर देखो बौद्ध भगवान आलवे सिंहासन के ऊपर बैठे हुए दिखते हैं आपको, ये जो सिंहासन पे, और ये बैठने का जो पोजीशन है इसको प्रलंब पादासन कहा जाता है आपको, वज्रासन पद्मासन, तो इसी सेम पोजीशन में बुद्ध भगवान ने वहां बैठकर कहा था कि मैं यहां से आप बुद्धि धर्म का प्रसार कर रहा हूं। और जब आप एक दूसरे से मिलेंगे तो हम लोग कैसे आजकल गुड मॉर्निंग नमस्ते उस टाइम में राम राम वगैरह बोल देंगे, तो आप वो नहीं करेंगे, आप हम बुद्धि धर्म का प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। तो यही मुद्रा आपको बहुत सारे केव के अंदर आपको नजर आएगी, और इनके साइड में ना ये जो देखो ये पद्म पानी है द्वारपाल है, इनके पास कमल का फूल है, ऊपर से देवी थे और इनकी नीचे सेविका है, ये काइंड हार्टेड होती है, और उनके ये साइड में वज्र पानी है, ये इनका काम जो होता है ना ये रक्षण करना, ये एक थंडर बोर्ड कहा जाता है इनको। सो अभी हम लोग दूसरे केव में जा रहे हैं, तीसरे सॉरी, ये वाले केव में। ये इनका फ्लोर भी देखो अनइवन है, जैसा पत्थर था वैसी है ना, नहीं वो अभी अभी हुआ होगा थोड़ा, हाँ इतने सालों के बाद। और सोचो ना कितनी मेहनत लगी होगी, इतना कुछ एक छोटे से होल में इतना बड़ा गुफा टेंपल पूरा क्या क्या बना दिया, हाँ पूरा पहाड़ को काट के बनाया गाइज। यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाती हूँ, लुक एट दिस। हम लोग वहाँ से आए थे 2-3 केव्स कवर करते हुए, अभी हम यहाँ को जा रहे हैं वहाँ पे, कितना सुंदर व्यू है, लेट्स गो गाइज। ये ऊपर वाटरफॉल का पानी गिर रहा है यहाँ से।
सो ये है केव नंबर 5। ओके, ये उनका डाइनिंग हॉल था क्या? खाना खाने के लिए सब लोग। वाओ, कितना मस्त है, लंबा एकदम। मुझे ऐसे पिलर्स ऐसे लंबे लंबे बहुत अच्छे लगते हैं। गाइज, ये जो आपको छोटे छोटे रूम्स दिख रहे हैं कोने में, ये मेडिटेशन के लिए बनाया है, कि जिसको भी मेडिटेशन करना हो वो बिना किसी आवाज़ के, ये देखो यहाँ पे भी है, ये आप मेडिटेट कर सकते हो। बहुत ही सुंदर बनाया है। अच्छा हुआ मैं आ गई, थोड़ा सा टाइम निकाल के ही सही। अच्छा हुआ हमारा इंस्टेंट प्लान बना एंड हम लोग आ गए, है ना रियो? यस। गाइज, हम लोग बहुत ही लकी हैं कि हमको, हमारे पास अभी ये मौका है कि हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो आपको कभी भी ऐसी चीज़ें देखने का कोई भी मौका मिले तो छोड़ो मत, ले लो। हाँ, औरंगाबाद ज़रूर आना, बहुत अच्छा शहर है, इसमें बहुत कुछ घूमने के लिए है। मुझे पता नहीं था इतना कुछ है। अभी एक दिन आराम से 4-5 दिन की छुट्टी लेके आएंगे, अभी तो खैर एक ही दिन के लिए आए थे, रक्षाबंधन स्पेशल, अगली बार आएंगे फिर से। सो गाइज, यहाँ पे हर एक सेक्शन है, लाइक खाना खाने की अलग से जगह, कॉलेज का पढ़ाई का अलग से जगह, मेडिटेशन की अलग से जगह। तो बहुत अच्छे से बनाया है, मतलब हर चीज़ के लिए यहाँ पे सेग्रीगेट किया है अच्छे से। सो अभी हम कैलाश टेम्पल जा रहे हैं, लास्ट वही हमारा मेन था एक्चुअली, बट ये सब केव्स भी देख लिया हमने। यहाँ से प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट किया, जो मचान है ना, यहाँ से ऐसे बनाते बनाते वहाँ तक गए, ठीक है, ऐसा मचान बनाते वहाँ पे गए, फिर यहाँ से गाइस ये स्कूल है, ये पहले मजला उन्होंने कंप्लीट किया, पहले ऊपर का किया। हाँ, सो गाइस, ये मीटिंग हॉल है जहाँ पे मीटिंग होती है, सब लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ से कैलाश टेम्पल है। सो गाइस, यहाँ से चढ़ना है, अभी तो मेरी तो थोड़ी सी हील्स है, बट ठीक है, सह लेंगे। सो फाइनली कैलाश टेम्पल, पल्लर से लेके वहाँ तक, ये नियर अबाउट 300 फीट का, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक पत्थर के अंदर बना हुआ मंदिर है। इसका नाम है कैलाश, जो शिव जी का रहने का प्रिय स्थान, जैसे एक स्वर्ग में दूसरा हिमालय के अंदर और तीसरा ये, मतलब ये मंदिर टोटली लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया हुआ है। नाउ इसका सेकंड स्पेशलिटी और इसका यूनिक है, हम लोग घर बांधते तो नीचे से ऊपर जाते, ठीक है, हमने जो भी केव देखे वो बाहर से अंदर गए। एक वर्ल्ड का ऐसा टेम्पल है कि इसका वर्क, वो टॉप जो दिख रहा है ना, वहाँ से स्टार्ट हुआ, छन्नी और हथौड़े से पहले उन्होंने टॉप कंप्लीट किया, फिर इसको ऊपर से काटना स्टार्ट किया और काम करते हुए लोग नीचे गए। तो एक मंदिर को, केवल इस एक मंदिर को बनाने में उनको 200 ईयर और 10 जनरेशन लगे। हिंदुओं के सभी केव बनाने में 400 साल लगे, बट उनको एक भव्य, एक विशाल, एक अद्भुत मंदिर बनाना था, तो उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया कि ये पूरे दुनिया के अंदर इतना बड़ा एक पत्थर के अंदर बना हुआ मंदिर कहीं नहीं। वर्ल्ड का बिगेस्ट टेम्पल का है एंकर वैट कंबोडिया में, बट वो कैसे, ये पूरे जंगल झाड़ा झोड़ा वगैरह पूरे उन्होंने निकाल दिया बाहर, और उन्होंने एक रॉक निकाला, ये जो दिख रहा है आपको, ये रॉक कॉर्नर से जाके वहाँ गए, फिर इधर और फिर इधर, तो मेन पहाड़ से ये रॉक सेपरेट कर लिया, ठीक है, और पूरे उन्होंने एक प्लान बनाया, एक मेजरमेंट लिया कि हम लोगों को किस हिस्से में क्या बनाना है, और ये सब प्लानिंग बनाकर उन्होंने इस मंदिर को एक रथ के आकार में 5 स्टेप के अंदर बनाया। देखो जो टॉप ऊपर है वो 4 शेर वाला पार्ट नीचे है, ये 2 शेर वाला पार्ट नीचे, फिर ये नीचे, फिर ये, मतलब एक रथ का आकार क्या है जो 20 रुपए की नोट के ऊपर आपको नजर आएगा। सिंपली ये भी पकड़ लीजिए आप 20 रुपए की नोट, क्योंकि दोनों पिलर सेम है, 20 रुपीज जो येलो कलर का कलर करेंसी है इसके ऊपर। देखिए हिंदू में हम लोग ये है नंदी,
नंदी टेम्पल, मेरे फेवरेट भगवान हैं। गाइज ये पूरा यहाँ पे रामायण स्टोरी है जो आपको दिख रहा है। सी द ब्यूटी गाइज, उन्होंने ऊपर से पत्थर को काटना चालू किया है, ऊपर से कट करते करते नीचे आए थे। एंड ये पूरे रथ है, रथ के शेप में, इसको रथ कहा जाता है। इसके बीच में शिवलिंग है, इस वाले में। कैसा लगा कैलाश टेम्पल? मजा आया? हो गई हमारी फाइनली, एक बार फिर से आएंगे। अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि नीरज आएंगे रक्षाबंधन मनाने मेहता दी के घर, तो सभी भाई बहनों को साथ में रहना है, तभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। पूरे साल भर की पसीने मेरे आज ही निकल गए। हाँ ना, इतना धूप गर्मी, पुणे में तो इतनी बारिश हो रही है और यहाँ पे एकदम धूप लगी नहीं रहा कि बारिश वाला सीजन है। हिम्मत है तो इस गेट से जाके दिखाओ। डर गए? चलो नारियल पानी पी लेते हैं थोड़ा। सो गाइस अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हम लोग। गाइज मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी कि मैंने बाहर भी एक नारियल पानी पिया एंड ये निहार का नारियल पानी है, मैं ही पी रही हूँ।